हे एवरीबॉडी, दिस इज ब्रजेश हियर और आप देख रहे हैं CABA इन्फोवेंट्री। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर यानी के अपने एसएससी पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है। आप भी कहेंगे सर आप मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बल्कि आपसे रियलिटी शेयर कर रहा हूं। जब बात टैक्स कलेक्शन की आती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर यानी कि अपने एसएससी पर ही भरोसा करता है, चाहे वो टीडीएस हो या टीसीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। आप कहेंगे सर हमने तो सुना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खूब रेट्स डालता है अपने एसएससी पर, तो ये क्या उसके विश्वास का साइन है अपने एसएससी पर? दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी पर्सन पर रेट तब डालता है जब उसके पास पक्की एविडेंस होती है या इंफॉर्मेशन होती है कि कोई व्यक्ति अपनी जितनी इनकम है उसको वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है और उस पर ड्यू टैक्स पे नहीं कर रहा है। जहां तक आप पर यानी एसएससी पर विश्वास की बात है बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये भरोसा आपको दिखता है वेरियस टीडीएस और टीसीएस प्रोविजंस में, जिसमें उनको कलेक्शन करने की जिम्मेवारी आप पर यानी एसएससी पर डाली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो क्या ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आप पर भरोसा नहीं जताता है? एनएफ इज एनएफ, नाउ वी शुड टॉक सीरियस बिजनेस। फाइनेंस एक्ट 2021 इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन 194Q विच इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1st July 2021। सेक्शन 194Q इज सिमिलर टू सेक्शन 206C1H विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई फाइनेंस एक्ट 2020 टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन ट्रांजेक्शन बिटवीन ए बायर एंड सेलर। वाइल सेक्शन 206C1H इम्पोजेज ए लाइबिलिटी ऑन द सेलर टू कलेक्ट टैक्स दैट इज TCS फ्रॉम बायर, दैट इज द टैक्स इंसिडेंस फॉल्स ऑन बायर। सेक्शन 194Q ऑन द अदर हैंड इम्पोजेज ए लाइबिलिटी ऑन द बायर टू डिडक्ट टैक्स दैट इज TDS वाइल पेइंग टू द सेलर, दैट इज द टैक्स इंसिडेंस फॉल्स ऑन द सेलर। नाउ आई विल डिस्कस विद यू द की एलिमेंट्स ऑफ द सेक्शन 194Q. Provisions of section 194Q would apply to a buyer whose total sales, gross receipts or turnover from business carried on by him exceeds rupees 10 crore during the financial year immediately preceding the financial year in which the goods are purchased. Means, if total sales, gross receipts or turnover from the business carried on by him during the financial year 2020-21 exceeds rupees 10 crore, it further provides that such tax is to be deducted on purchase of goods only from a seller who is resident of India under the provisions of the Income Tax Act. The rate prescribed for deduction of tax is 0.1% of the value or aggregate value of the goods that exceeds rupees 50 lakh in the financial year. Tax would be required to be deducted at higher rate of 5% if the seller does not hold a PAN in India. As per section 206AA of the Act, as applicable in case of other TDS provisions,
liability to deduct TDS would arise at the time of credit or payment, whichever is earlier, and would include any sum credited to any account, whether called by name, suspense account, or by any other name. The above provision of deduction of tax at source on purchase of goods is not applicable in the cases like where tax is deductible under any other provisions of the Act and where tax is collected under Section 206C of the Act, except two transactions covered under Section 206C(1)(h). It is also to be noted that this section is applicable on sale of goods only, and services have presently been kept out of the ambit of this section. Therefore, the limit of rupees 50 lakh for each financial year have to be taken for the purchase of goods alone. अब आपके मन में तरह तरह के क्वेश्चंस आ रहे होंगे इस प्रोविजन के बारे में, लाइक किस किस को ये टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, कौन कौन सी टाइप्स के एसएससीज लाइक इंडिविजुअल और फर्म्स पर ये एप्लीकेबल होगा, ये केवल गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा या ये सर्विसेज के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, इस टैक्स को कब डिडक्ट करना पड़ेगा अगर बायर गुड्स को आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट करता है तो क्या उस पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। जब गुड्स को आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट किया जाता है तो क्या उस पर भी ये प्रोविजन लागू होगा। किस किस चीज को गुड्स माना जाएगा, क्या सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन जो कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया जाता है उस पर भी ये प्रोविजन लागू होगा। अगर मैं कैपिटल गुड्स परचेस करता हूं तो क्या उस पर भी ये लागू होगा, क्या इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांजैक्शन पर भी ये लागू होगा, क्या परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर के केस में भी ये प्रोविजन लागू होगा, क्या टीडीएस उस केस में भी डिडक्ट करना पड़ेगा जहां पर ज्वेलरी परचेस की गई है लेकिन वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं परचेस की गई है। किस डेट से ये 50 लाख की थ्रेशहोल्ड कंप्यूट की जाएगी, टीडीएस किस वैल्यू पर काटना होगा, क्या ये टोटल इनवॉइस वैल्यू पर काटना होगा इंक्लूडिंग जीएसटी या विदाउट जीएसटी। अगर हमने सेलर को एडवांस पेमेंट किया है तो क्या उस पर भी टीडीएस काटना होगा। ऐसे और बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे इस प्रोविजन के बारे में। दोस्तों घबराइए नहीं, मैं आपको इन सवालों का जवाब दूंगा और इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अगर उसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए, मैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए अब मैं शुरू करता हूं आपके इन क्वेश्चंस को क्लियर करना, उनका आंसर देकर, जिससे कि जो भी डाउट आपके मन में है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि कौन कौन लोग सेक्शन 194Q के अंदर टैक्स डिडक्ट करने के लिए लायबल हैं। दोस्तों टैक्स शैल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q बाय ए बायर कैरिंग ऑन ए बिजनेस हुज टोटल सेल्स ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस एक्सीड्स रुपीज 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच गुड्स आर परचेस्ड। दिस प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of July 2021। देयरफॉर the liability to deduct tax in financial year 2021-22 shall arise if the turnover of the purchaser was
more than rupees 10 crore in financial year 2020-21. दोस्तों अब आपके मन में आ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 194 क्यू का सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर किया। इसी तरह के और क्वेश्चन जो 194 क्यू के बारे में आपके मन में आ रहे हैं उनके सॉल्यूशंस मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने YouTube चैनल CABN Infoventry पर। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आ सकें और हम और आप मिल सकें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। बाय बाय।